वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज आपको बताने वाली हूँ मैं डिटेन्स के बारे में। डिटेन में और ब्लीच में अंतर क्या होता है, डिटेन को अप्लाई क्या करना है, तो ये कैसे वर्क करता है, सब कुछ पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो डिटेन के लिए मुझे एक रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैंने सोचा बता दूं आप लोग को कि डिटेन को कैसे यूज करना चाहिए, इसका क्या वर्क होता है, कैसे अप्लाई करना चाहिए। जैसे हम लोग डिटेन यूज करते हैं तो जैसे हमारा जो पिगमेंटेशन होता है फेस पे, उसको ये इवेंट टोन में करता है। एंड जो हम ब्लीच अप्लाई करते हैं, ब्लीच हमारे बालों को ब्राउन कर देता है और बहुत ज़्यादा हद तक गोरा नहीं करता। अगर ब्लीच को आपको सही तरीके से एप्लीकेशन देने नहीं आता है तो ब्लीच आपके फेस को जला भी सकता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो ब्लीच से भी ग्लो आता है, लेकिन वो ग्लो के साथ साथ आपके हेयर को भी ब्राउन कर देता है। लेकिन जो डिटेन है ये आपके हेयर को, फेशियल हेयर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बट आपके स्किन को ग्लो देता है, फेयर करता है। एंड आपका जो पिगमेंटेशन है, जहाँ जहाँ मतलब डार्क स्पॉट्स हैं, उन सबको हाइड थोड़ा सा धीरे धीरे करके रिमूव करने लगता है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है सब कुछ बताने वाली हूँ। तो अब हेयर स्टाइल की वीडियोज मेरे सेकंड चैनल पे है, सॉरी फर्स्ट चैनल पे है प्रीत तिवारी, जिसपे आपको अमेजिंग हेयर स्टाइल से रिलेटेड वीडियोज मिलेंगी, तो प्लीज जाके चेकआउट कीजिएगा। मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश किया हुआ है। अगर आप ब्लीच अप्लाई करते हो तो जैसे अगर ब्लीच के साथ आप मॉइस्चराइजर या फिर कुछ अप्लाई नहीं करते हो तो धीरे धीरे ब्लीच से क्या होता है, अगर आप ब्लीच में एक्टिवेटर बहुत ज्यादा अप्लाई डाल देते हो, जैसे कि आप न्यू हो, बेगिनर्स हो, आपको नहीं पता है फेशियल कैसे करना चाहिए, ब्लीच अप्लाई कैसे करना चाहिए, और हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो फेशियल हेयर होता है एक तो बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाता है। देन सेकेंड की अगर आपने अच्छे तरीके से ब्लीच नहीं किया है तो आपका फेस जो है वो जल भी सकता है। तो आप ब्लीच घर पे अगर कर रहे हो, अगर आपको पता है तो ही अप्लाई करो, अदरवाइज आप किसी पार्लर में जाओ, प्रोफेशनल के पास जाओ और ब्लीच अप्लाई करो। ब्लीच का काम ये होता है, आपकी स्किन को हल्का फुल्का सा ग्लो देता है, देन आपके जो फेशियल हेयर होता है वो उसको पूरा ब्राउन कर देता है, अगर आप अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे हो तो। लेकिन डिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटेन ये मेरा नेचर का है, ये मुझे फेशियल किट के साथ मिला था, तो डिटेन और ये आप फेशियल में भी अप्लाई कर सकते हो डिटेन। अगर आपको फेशियल के साथ नहीं लेना है तो आप सिंपली अकेले भी डिटेन का पैक अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको डिटेन का पैक अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लींजिंग मिल्क से क्लीन करना है, या फिर कोई अच्छा सा फेस वॉश लगा के अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ तो मेरा फेस क्लीन है, तो मैं यहाँ पे क्लींजिंग मिल्क अप्लाई नहीं करूंगी। एंड तक वीडियो देखिएगा, छोटी छोटी चीजें बताऊंगी जिससे कि आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर आप बीच में वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो हो सकता है कोई टिप्स आपको नहीं पता चले और आप अप्लाई करो और आपके स्किन को नुकसान भी कर सकता है। डिटेन वैसे कोई नुकसान नहीं करता, बट ड्राई स्किन, ऑयली स्किन पे कैसे अप्लाई करना चाहिए वो बताने वाली हूँ। तो ये मेरा नेचर्स कंपनी का है, ये अलग अलग कंपनी का भी मिलता है, हर कंपनी का मिलता है, तो आप वो ले सकते हो। मेरे पास नेचर्स का पड़ा था तो मैं इसी को अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ। सेम जैसे इसको अप्लाई करना है वैसे ही आप कोई भी कंपनी का डिटेन का पैक लेके अप्लाई कर सकते हो। तो आपका फेस अगर ड्राई है तो आप पहले इसको अच्छे से क्लीन करोगे, देन डिटेन अप्लाई करोगे, लास्ट में आपको क्या करना है वो बताऊंगी और ऑयली फेस पे कैसे करना है। तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है, आपको सिंपली पैक को लेना है, इतना मैंने लिया हुआ है, और इसको इस तरीके से अप्लाई करना है। ब्लीच जो होती है वो हम अपने स्किन के आईज के आसपास में नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें एक्टिवेटर होता है, जो केमिकल होता है वो बहुत हार्ड होता है, जो आईज पे आपके नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हम लोग आईज पे अप्लाई नहीं करते। लेकिन जो हमारा ये डिटेन वाला पैक होता है ये आप अपने आईज पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके आईज के आसपास बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, तो आप अपने आईज पे भी अप्लाई कर सकते हो। और जो हमारा नेचर्स का डिटेन का पैक है ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज है, तो आप अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, जैसे बहुत ज्यादा ड्राई नहीं है, अच्छे से इसको मोटा मोटा लेयर में लगा लेना है इस तरीके से। मैं पूरा आईज पे भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, मेरी डार्क सर्कल काफी हद तक हाइड हो चुकी है, सॉरी खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हुई है मैं अपना डेली स्किन केयर रूटीन शेयर कर चुकी हूँ कल के वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा जाके देखो यार क्या करते हो, डेली वीडियो देखा करो। एंड जो भी टिप्स बताती हूँ, हो सकता है कोई जैसे अलग अलग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मैं बताती रहती हूँ, तो हो सकता है कौन सा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, तो रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपके स्क्रीन जो यूट्यूब का स्क्रीन होता है उस पर आपको शो होने लग जाएंगी मेरी वीडियो सब्सक्राइब करने से।
तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको मेरी वीडियो डेली बाय डेली देखने को मिलेगी। इस तरीके से मैंने पैक लगा लिया। अभी जब तक आपका पैक गीला है तब तक तो आप बात कर सकते हो, बट जैसे जैसे ये पैक सूखने लग जाएगा आपको बोलना नहीं है क्योंकि रिंकल्स आ सकती है। और जब भी आप पैक अप्लाई कर सकते हो, कोई भी पैक अप्लाई करो, जब भी आप पैक अप्लाई करो ऊपर के डायरेक्शन में अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि जो हमारी फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स होते हैं, वो भी काफी हद तक कम होते हैं ऊपर की तरफ अप्लाई करने से, एंड झुर्रियां जो आती है वो भी काफी हद तक कम होती है। तो कभी भी पैक अप्लाई कर रहे हो, मसाज कर रहे हो, आपको ऊपर की तरफ से करना है, नीचे की तरफ नहीं करना है। ओके, तो ये मैंने पैक अप्लाई कर दिया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ड्राई हो जाएगा तो इसको आपको रिमूव करना है, और इसके बाद क्या अप्लाई करना है वो भी मैं बता देती हूँ। जब आपका डिटेन का पैक जब ड्राई हो जाता है तो आपकी स्किन खिंचाव आता है, बहुत टाइट फील होता है, तो बहुत ज्यादा हंसना नहीं है, बोलना नहीं है जब तक आप इसको रिमूव ना कर लो। तो अभी मेरा फेस मैंने 10 मिनट तक रख लिया, 10 से 15 20 मिनट तक आपको रखना है अपने फेस पे, उसके बाद से आपको इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के लिए आप थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से मसाज करोगे, अच्छे से मसाज करके ये जब लूज पड़ जाए पूरा फेस पैक आपका, जबकि ये मॉइस्चराइज है तो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, फिर भी मैं ड्राई स्किन पे आपको क्या करना है इसको पहले मैं साफ कर लेती हूँ। इस तरीके से मसाज करने के बाद से इसको अच्छे से निकाल लेंगे अपने क्रीम को फेस से। आपको ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करना है अगर आपके पास ये पैक है तो लगाना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है और आपने डिटेन पैक लगाया है तो आपको क्या करना है, अगर ऑयली है तो इसके बाद आप सिंपली गुलाब जल लगाओगे और अपना ऐसे ही छोड़ दोगे अपने फेस को। और ड्राई है, मेरी फेस बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगी, मेरे को लेना है मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर लेना, मैंने ये जोय का मॉइस्चराइजर लिया है, बहुत अच्छा है। अगर बजट में भी है तो आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, अदरवाइज आपके पास कोई भी मॉइस्चराइजर है वो अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आपको मॉइस्चराइजर को अच्छे से अपने फेस पे लगाना है, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है कि आपकी स्किन ड्राई ना हो जाए और आपके फेस पे रिंकल्स वगैरह ना आ जाए। जैसे आपकी स्किन बहुत ड्राई हो तो आपको डेली स्किन केयर रूटीन में भी अपना मॉइस्चराइजर लगाना है। तो इस तरीके से लगा के अच्छे से लगा लेना, अपने नेक एरिया को कभी भी नहीं भूलना है। आप जो भी चीज़ अप्लाई करो अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा इतना पार्ट जो है वो हमेशा दिखते रहता है, सूर्य की किरणों के संपर्क में आता है। तो आप इन सबको जो भी अपने फेस पे ट्रीटमेंट कर रहे हो वो अपने गर्दन पे भी जरूर कीजिए। तो मैंने इस तरीके से मॉइस्चराइजर लगा लिया है, दैट्स इट। आपको इतना ही करना है डिटेन पैक लगाने के लिए। ऑयली स्किन के लिए आप गुलाब जल ग्लिसरीन अप्लाई कर सकते हो इसके बाद से, एंड ड्राई फेस के लिए जैसे मैंने किया वैसे कर सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो डालू तो वो आपकी स्क्रीन पर शो हो और आप उसको देख पाओ और इसी तरीके की अच्छी अच्छी जानकारियां आपको मिल पाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई जानकारियां लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल, और प्लीज सपोर्ट मी गाइस, बाय बाय।